वेलकम बैक टू डेमन एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। पुराने के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। फीमेल होस्ट फैंगनिंग के ऊपर बैठी हुई होती है और फैंगनिंग उसे बड़ी हैरानी से देख रहा होता है। फिर उससे दूर हटकर कहता है, क्या बकवास है, मैं क्या सपना देख रहा हूँ। और फीमेल होस्ट मासूम सी शक्ल बनाकर वहीं पर बैठी हुई होती है। फिर फैंगनिंग कहता है, मैं दिन पे दिन सोचता रहता हूँ, इसी वजह से मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन इतने स्पष्ट तरीके से सपना देख रहा हूँ, पता नहीं था मुझे। फिर फैंगनिंग हाथ जोड़कर कहता है, मैं इतने स्पष्ट तरीके से सपना देखता हूँ, इसलिए मैं इस सपने को अपने द्वारा बदलना चाहूंगा और इसलिए मैं चाहता कि ये मुझे दिखाई ना दे। और फिर वह अपनी आंखें खोलता है, लेकिन फिर भी फीमेल घोस्ट उसे दिखाई दे रही होती है और फीमेल घोस्ट सोच रही होती कि यह नमूना कर क्या रहा है। और फैंगनिंग घबराते हुए कहता है, ये अभी गई नहीं है, ये भूतनी अभी गई नहीं है। और फीमेल घोस्ट अभी भी सोच रही होती कि ये कर क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और फैंगनिंग अपना सर पकड़ कर कहता है, धैत तेरी के धिक्कार है, क्या इसलिए है क्योंकि मैं बचकर थक चुका हूँ, इसलिए मैं सपने से बच नहीं पा रहा हूँ। और फिर फैंगनिंग अपने दिमाग की बत्ती जलाता है और कहता है, अरे मुझे याद आया, मरने से पहले यदि आप जानना चाहते कि ये सपना है कि हकीकत, तो आपको अपने हाथ की उंगलियों के पीछे की ओर रखना होगा और आप जान जाएंगे कि ये सपना है कि हकीकत। फिर वह अपने हाथ की उंगली को दूसरी हाथ की उंगलियों में रखता है और अपने हाथ की उंगली को मोड़ देता है। फिर वह जोर से चिल्लाता है और यह आवाज़ सुनकर दोनों बिल्लियों के काम में रुकावट आ जाती है। और फैंगनिंग अपनी उंगली को पकड़ के कह रहा होता, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर फीमेल खुश यह देखकर कहती, ये तुम क्या कर रहे हो। फिर फैंगनिंग दोबारा से हैरानी से देखता हुआ कहता है, ये तो ड्रीम है ही नहीं है। और फीमेल घोस्ट को छूकर कहता है, यह तो वास्तव में सपना नहीं है। फिर वह खड़ा होकर कहता है जोर से कि तुम यहाँ पर क्यों हो। फिर फैंगनिंग मन में कहता है, यह सब खत्म हुआ, इस भूतनी ने मेरे घर तक पीछा गया, अब इसे मैं कैसे भगाऊंगा। फिर फीमेल घोस्ट फैंगनिंग का हाथ पकड़ लेती है और बहुत प्यारी सी शक्ल बनाकर कहती है, मैं तुम्हें यहाँ पर देखने आई हूँ। यह बात सुनकर बेचारे के होश उड़ जाते हैं और पत्थर बन जाता है और कहता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों देखने आई हो, हम तो एक से कुछ जानते भी नहीं है बॉस। फिर शर्माते हुए फीमेल घोस्ट कहती है, माई हस्बैंड, मैं तुम्हें देखने आई हूँ। फिर फैंगनिंग मन में कहता है, क्या बकवास है, क्या वह मुझे अपने हस्बैंड की तरह ट्रीट कर रही है। फिर फीमेल घोस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहती है, क्या तुम मुझे भूल गए हो। फिर फैंगनिंग डरते हुए फीमेल घोस्ट से कहता है, दरअसल लास्ट नाइट में यह हुआ था कि। यह सुनकर फीमेल घोस्ट बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और चुड़ैल बनने ही वाली होती है। और फैंगनिंग रोने ही वाला होता है कि कहता है, बहुत ज्यादा डरावना है, पहले मैं अपनी जान बचाऊंगा, फिर उसके बाद चूंगा कि उसे कैसे भगाना, और वैसे भी वह कुछ भी कर सकती है। और फैंगनिंग उसका प्यार से हाथ पकड़ता है और कहता है, अब बेशक मैं नहीं भूला हूँ और मेरी बात सुनो, तुम्हारा वैसे नाम क्या है। और फैंगनिंग यह कहकर उसे चुड़ैल बनने से पहले रोक लेता है, उसे शांत करा देता है। फिर फीमेल घोस्ट कहती है, मेरा नाम जियांगली है। यह सुनकर फैंगनिंग कहता है, अच्छा तुम्हारा नाम जियांगली है। अपना नाम सुनकर जियांगली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर फैंगनिंग मन में कहता है, मैं बच गया अभी, अगर वह मुझसे असमित होती थी वह मुझे खा जाती। फिर शर्माते हुए कहता है, लेकिन फीमेल घोस्ट बहुत ज्यादा सुंदर है। फैंगनिंग तुम क्या कह रहे हो, वह मर चुकी है, तुम इतनी लंबी समय से सिंगल हो, इसलिए क्या तुम फीमेल घोस्ट के लिए भावना उत्पन्न कर रहे हो। फिर फैंगनिंग खांसते हुए कहता है, तुम यहाँ कैसे आई हो, तुम्हारी कब्र से लगभग 10 किलोमीटर दूर है ये। फिर जियांगली से हिला देती है। फिर वह हवा में उड़ती है और कहती है, सोस पर्पल। यह कहते ही फैंगनिंग की तरफ आगे बढ़ती है और फैंगनिंग के अंदर चली जाती है। फिर फैंगनिंग हैरानी से कहता है, कभी क्या हुआ है। फिर फैंगनिंग चारों तरफ देखने लगता है कि फीमेल घोस्ट गई कहाँ है। फिर जियांगली फैंगनिंग की बॉडी से निकल है और कहती है, मैं यहाँ हूँ तुम्हारी बॉडी में। फिर फैंगनिंग घबरा कर कहता है कि मेरी बॉडी में तुम कैसे आ गई। फिर जियांगली फैंगनिंग की बॉडी से बाहर निकलती है और धड़ाम से गिर जाती है फर्श पर। और फैंगनिंग हैरान हो जाता है उसे फर्श पर गिरते हुए देखकर। और फिर जियांगली अपने गाल को सहलाने लग जाती है जहाँ पर चोट लगी होती है। और ये पोज वास्तव में बहुत गजब का है यार। और फैंगनिंग उसे ऐसे पोज में देखकर शर्मा कर कहने लगता है, यह बहुत क्यूट लग रही है और देखने में ऐसा नहीं लगता है कि वह मेरे पति को ही शत्रुता रखती है। फिर जियांगली उठने के बाद अपने कपड़े को साफ करने लग जाती है और जैसे ही वह चलने के लिए आगे कदम रखती है वैसे ही वह धड़ाम से गिर जाती है। और यह देखकर फैंगनिंग मन में कहता है, वह थोड़ी सी बेवकूफ भी है। फिर फीमेल घोस्ट खड़ी हो जाती है। फिर फैंगनिंग कहता है, तुम्हें अपने कपड़े बदल लेना चाहिए क्योंकि इन कपड़ों में घूमना असुविधाजनक है तुम्हारे लिए। फिर जियांगली अपना सिर हिलाती है और एक मंत्र बोलने लगती है जिसके कारण उसके चारों तरफ हरी हरी सी रोशनी हो जाती है। फिर फैंगनिंग खुश होकर कहता है, क्या यह लेजेंड स्पेल हो सकता है। और फीमेल घोस्ट जियांगली अपने पूरे कपड़े उतार देती है उस स्पेल से। और फीमेल घोस्ट को बिना कपड़े के देखकर फैंगनिंग अपनी नाक से पिचकारी मारने लग जाता है। फिर फैंगनिंग मन में कहता है, मैंने उसे कपड़े बदलने के लिए कहा था, ना कि कपड़े उतारने के लिए। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, जाते समय पर कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा।